एवरीवन, सो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टॉप कंट्रीज जिसमें आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं या फिर आपको बहुत ही लो ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। सो इन केस यू न्यू टू माय चैनल, आई एम वर्तक और यूजुअली मैं मेकअप और स्किन केयर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाली वीडियोस बनाती हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक मोर वीडियोस रिलेटेड टू एजुकेशन अब्रॉड क्योंकि मैं आई हुई हूँ ऑस्ट्रिया फॉर डूइंग माई मास्टर्स। सो आप सबको बताऊंगा कि अगर मैं पहली कंट्री बोलूंगी तो वो कौन सी होगी। ऑफकोर्स इट्स नन अदर देन जर्मनी। सो आई थिंक आप सबको पता है कि जर्मनी में आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती। इट्स लाइक अ जीरो ट्यूशन फी एजुकेशन इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ऑफकोर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन इज फ्री। जस्ट आपको सेमेस्टर फी देनी होती है विच इज 200 to 300 यूरोज एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, बहुत ही ज्यादा। एंड इट्स नॉट जस्ट कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत सस्ती है, अगर आप लोगों ने अपनी रिसर्च कर रखी है तो जर्मनी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूँ लिविंग कॉस्ट की तो ऑन एन एवरेज द लिविंग कॉस्ट इज लाइक 800। रियली डिपेंड्स, अगर आपको बजट लेके चलना है तो आप देखिए कि आपको कौन सी सिटी में जाना है। उसके अलावा अगर आपको और जानना है जर्मनी के बारे में, सो देयर इज दिस नाइस वेबसाइट DAAD जो आपको हर चीज के बारे में बता सकती है, वीजा, स्कॉलरशिप्स, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड या इट्स लाइक अ जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। सो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। नंबर टू फॉर मी पर्सनली वुड बी ऑस्ट्रिया बिकॉज आई एम स्टडिंग इन ऑस्ट्रिया। ऑफकोर्स आई वुड रिकमेंड यू टू कम टू ऑस्ट्रिया। अगर मैं बात करूँ कि क्या ट्यूशन फीस जीरो है यहाँ पे, नहीं, ट्यूशन फीस जीरो नहीं है। यू हैव टू पे अराउंड 720 to 760 यूरोज पर सेमेस्टर। सो इट्स लाइक अराउंड 60-70,000 और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है इफ यू आर स्टडिंग इन अब्रॉड। एंड कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लाइक सिमिलर टू जर्मनी ऑन एन एवरेज। ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, लाइक वियना इज रियली एक्सपेंसिव। आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कम इन अ गुड QS वर्ल्ड रैंकिंग, सो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इफ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंट्री, आई थिंक इट वुड बी फ्रांस। फ्रांस पहले वॉज लाइक अ नो ट्यूशन फी कंट्री, बट रिसेंटली यू हैव टू पे ट्यूशन फी एंड इट कॉस्ट समवेयर अराउंड लाइक 2,000 to 3,000 यूरोज पर ईयर। वही कंपेयर टू अदर कंट्रीज इट्स स्टिल वेरी लो और मुझे लगता है कि यू आर कमिंग टू यूरोप, यू कैन ट्रैवल इजिली, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, लॉट ऑफ कंट्रीज टू सी, यू कैन एक्सप्लोर सो मच। आई थिंक France is like a little on the expensive side. The cost of living in France on an average is like 800 to 1000 euros considering Paris and everything. So I think it's a little bit higher than Germany and Austria, of course. So the next one is Norway or I don't know agar Norway ka a lot of people know, but wahan pe bhi tuition fee is zero. You do not have to pay any tuition fee. On top of that, जो सेमेस्टर या फिर यूनियन फी, स्टूडेंट यूनियन फी होती है वो भी सिर्फ 32 to 64 यूरोज है। सो द एजुकेशन फी इज लाइक नथिंग। बट कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नॉर्वे इज ऑन द हायर साइड, लाइक इट्स एक्चुअली हायर। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक 1200 to 2000 यूरोज पर मंथ। पर मुझे लगता है कि इफ यू डू लाइक प्रॉपर प्लानिंग, कि अगर आपका एजुकेशन में ये वाला फी नहीं जा रहा है तो यू कैन डू प्रॉपर प्लानिंग, लुक फॉर सिटीज। वन ऑफ द नाइसेस्ट कंट्रीज टू स्टडी नेक्स्ट इज पोलैंड। आपको सिर्फ 1500 to 2000 यूरोज देने हैं पर ईयर फॉर द ट्यूशन फी। द गुड थिंग हियर इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड इज लाइक वेरी वेरी लोअर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो यू जस्ट हैव टू पे लाइक 450 to 650 यूरोज ऑन एन एवरेज। सो इट कैन बी इवन लोअर देन 450 for cities. Now coming to another country which is Czech Republic. Czech Republic भी आपको zero tuition fee दे सकता है अगर आपको उनकी language आती है तो I think अगर आप actually में बहुत ज्यादा interested हैं तो आप यहाँ पे आके language course कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ and then you don't have to pay any tuition fee. Coming to the last two countries, one would be Belgium, जहाँ पे ट्यूशन फी इज लिटल हायर, आई वुड से 4000 यूरोज पर ईयर, बट स्टिल इट्स नॉट दैट हायर। दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि हम बजट फ्रेंडली कंट्रीज की भी बात कर रहे हैं। तो 4000 यूरोज पर ईयर आई थिंक इज
फाइन. कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो जितनी रिसर्च मैंने करी इट्स मोर लाइक जर्मनी और फ्रांस, सो इट्स ऑल्सो ऑन द स्टीपर साइड, बट आई थिंक यू कैन कंसिडर इट. द लास्ट कंट्री आई वुड से इज स्पेन. सो अगर आप स्पेन में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ट्यूशन फी देनी होगी अराउंड 1,000 to 2,000 euro, और प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लाइक जर्मनी विच इज 800 euros या फिर उससे भी चीपर. सो ऑफकोर्स यू कैन कंसिडर कमिंग टू स्पेन. आई थिंक अदर देन दैट आई थिंक इटली इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट आई हैवन्ट डन माई रिसर्च, बट यू कैन डू योर रिसर्च. और मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस, कितना एफर्ट लगता है फॉर यू टू डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, आपको कौन सा कोर्स करना है, बिकॉज आई थिंक इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. सो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप फटाफट इन सारी कंट्रीज पर अपनी अपनी रिसर्च कर लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड. सो आई थिंक इस वाली वीडियो के लिए यही. आई फॉर श्योर कम अप विद अनदर वीडियो. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.